सर मैंने मोहम्मद इलियास अतार कादरी का नाम सुना था, अभी दोस्तों के कहने पर मैं अपना घर बाल कमकार छोड़कर आया हूँ साईं का दीदार करने के लिए और सोबत को अपनाने के लिए और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए। तरबियती कोर्स में हूँ 63 दिन का। यहाँ पे माशाल्लाह नमाज सिखाई जाती है, गुस्ल मैयत का भी सिखाया है माशाल्लाह, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मुबारक अय्याम जारी है, मदनी मुजाकरों का सिलसिला भी जारी है, क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है जिसमें आसान अंदाज में हमारे दीन और दुनिया से जो मरबूत मसाइल हैं उसका अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया जाता है। इल्म के एतबार से, तरीकत के हवाले से, शरीयत के हवाले से काफी रहनुमाई मिलती रहती है। मेरे अंदर तो काफी तब्दीली आई अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने माशाल्लाह भी दाढ़ी शरीफ रखने की नीयत की, जुल्फे रखूंगा इंशाल्लाह करीम। इस तरह हमारे को आकर बहुत खुशी हुई है और जानने के लिए बहुत अच्छी सी नॉलेज मिली है, वजू के फराइज सीखने को मिले, नमाज के फराइज सीखने को मिले, दूसरे जो सवाल जवाब बात का सिलसिला है वो भी अच्छा है। और यकीन करें कि हमारी उम्रें गुजर जाएं लेकिन जो मदनी मुजाकरे में सीखने को चीजें मिलती हैं वो शायद ही किसी दूसरी जगह पर हमें सीखने को मिल सकें। मेन जो बात है हमें नमाज का, गुसल का, ये छोटी छोटी या हमारे कोई भी मसाइल हैं दीन के, दुनिया के, हमें पता चल रहा है। कुर्बानी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जब अब मदनी मुजाकरे हो रहे हैं, पीर साहब रहनुमाई फरमाते रहते हैं किस पे वाजिब है किस पे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी है तो बहुत कुछ सिखाती भी है, असहर के बाद हल्का लगा, नमाज के फराइज, तहारत, गुसल के फराइज, वजू के फराइज, सुन्नतें, आदाब, बहुत कुछ सीखने को मिला अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी के अय्याम जारी है, कुर्बानी के मसाइल, फिर हज के मसाइल, फिर दीगर जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाइल हमें मदनी मुजाकरे में सीखने को मिलते हैं। बता रहे थे कोई जानवर लेते हैं तो उसके सींग निकाल लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा करते हैं, उनकी नीयत ये होती है कि ये खूबसूरत बन जाए, वैसे जो काटते हैं ऊपर से उसकी कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन नहीं काटना चाहिए। और कुर्बानी के जानवर के साथ जितनी नरमी से उसको जिबा करें तो ज्यादा अच्छा है, कुर्बानों के जानवर को परेशान ना किया जाए। और मैंने जो बात सीखी है वो ये है कि कोई कुर्बानी के लिए अच्छा जानवर खरीदता है, वैसे तो कुर्बानी तो अल्लाह पाक की रजा के लिए करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए कि मेरा जानवर अच्छा है उसका सही नहीं है। यहाँ के सारे लोग जो हैं खुश नसीब हैं जो उनको ऐसा मुर्शिद मिला है जो कामले, अभी नफसा नफसी का दौर है, ऐसे बंदे, ऐसे वक्त का कुतुब है, वली है, बुजुर्ग है, इसके सुबत में जो भी इंसान रहेगा वो आला इंसान बन जाएगा। देखा जाए तो इल्म के जराए जो है दावत इस्लाम ने खोल दिए हैं कि बस आप आ जाएं और इल्म सीखने। हालांकि पिछले दौर में इल्म सीखना बहुत मुश्किल होता था और अमले सुन्नत की सुभानअल्लाह के कहा जाता है आलिम की जियारत भी इबादत होती है, तो इस नियत से भी जियारत क्या करें। इल्म है जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। हर माह इंशाल्लाह 3 दिन का मैंने काफिले का भी ज़हन बनाया, तो अपने इलाके में भी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल 1-2 इस्लामी भाई साथ तैयार करके लेकर जाऊंगा। बाबा जाने की मेहरबानी है, हमारे सर के ऊपर हाथ रखा, अल्लाह के फजल और करम से अतारी बन चुके हैं, सब छोटे से लेकर बड़े तक नमाजी है, बाबा जाने की मेहरबानी है। मैं ये नियत करके आया हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ पे जो सीखूंगा वो अपने इलाके में जाके दूसरों को सिखाऊंगा। मैं सारी दुनिया के मुसलमानों को अपील करता हूँ कि आपको जो भी कुर्बानी की खाले, अतियात, सदकात, जो भी अल्लाह के नाम पे देना है सो आप सिर्फ दावत इस्लामी वालों को दीजिए। मैंने कुर्बानी के ऐसे मसाइल सीखे जिंदगी में मैंने आज से पहले कभी नहीं सीखे थे। जिस जानवर का सींग तो टूट जाए तो हमें यह मालूम नहीं था कि उसकी कुर्बानी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। बताया गया कि जिस जानवर का सींग टूटा हो और जख्म ना भरा उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, और जिसका जख्म भर गया और सींग टूटने के बाद उसकी कुर्बानी हो सकती है। ये मदनी चैनल ने, बुजुर्गों का मदनी चैनल जो नया सिलसिला चलाया है, इसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे जो है बुजुर्ग जो है उनको भी इल्म दीन सीखने का मौका मिलेगा, नेक अमाल करने का उनमें भी जज्बा बेदार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुजाकरे का काफी ज्यादा फायदा होता है।